Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक इन माई किचन। तो जी, आज आप लोगों के साथ स्वीट पोटैटो बनाना शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आप लोगों के साथ बातें करने का एक मौका है। तो जी, और आज आप लोगों ने जैसे मेरा टाइटल पढ़ लिया होगा, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी आप लोगों को गाइड करूंगी। जो लोग आजकल गूगल एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या उसके लिए थोड़ा परेशान है, तो जी वो मेरी वीडियो को फुल ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। और जी, उससे पहले माजरत थोड़ी सी, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो आवाज़ थोड़ी आप लोगों को बुरी लग रही होगी, तो रियली सॉरी। तो जी आइए, पहले हम स्वीट पोटैटो बेक कर लेते हैं और फिर आप लोगों को गाइड करती हूँ कि जी एडसेंस पिन के लिए कैसे अप्लाई कीजिए। तो जी स्वीट पोटैटो जो कि मैंने बस पहले ही वॉश करके रखी हुई थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, आप लोगों को पता है। तो बस मैंने उसको क्या किया है कि अब उसको पानी से थोड़ा धो लिया है दोबारा, क्योंकि ऑलरेडी वॉश्ड थी वो, तो धो के बस अब मैंने उसको एक बेकिंग ट्रे के अंदर रख लिया है। और अब मैं अपने ओवन को 250 डिग्री पर फॉर 2 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लूँगी और फिर इसके अंदर मैं स्वीट पोटैटो को रख दूँगी। और ये विद इन सम मिनट्स बेक हो जाती है, विद इन 15 to 20 मिनट्स ये बेक हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में मुझे तो बहुत पसंद है, और पता नहीं किसी आप लोगों को पसंद है कि नहीं। और आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, तो ये बहुत अच्छी मज़े की लगती है। तो ये देखिए जी, ओवन हमारा प्री हीट हो गया है। तो जी मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है, अगर किसी का गैस का ओवन है तो अकॉर्डिंग टू द ओवन आप टेम्परेचर सेट कर लीजिएगा और उसको कितनी देर में प्री हीट हो जाता है वो देख लीजिएगा। तो मेरा तो तकरीबन मैंने 2 मिनट्स लगाए थे, लेकिन वो कुछ ही देर बाद अपनी बीप देता है कि बंद कर दो मुझे, तो मैंने तो उसको ऑफ करके और फिर उसको दोबारा सेट करके रख दिया है अब अपनी स्वीट पोटैटो को बेक करने के लिए। तो जी स्वीट पोटैटो तो हमारी बेक होती रहेगी, उससे साथ ही आपको बताती हूँ जो कि जी टाइटल है गूगल एडसेंस पिन का, उसके बारे में आप लोगों को गाइड करूँ। तो जी ये देखिए, आज मौसम भी बहुत ही ठंडा है और बहुत ही ठंड है, और चलिए आपको बताती हूँ कि जी एडसेंस पिन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो जी गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत ही आसान है, और अगर ना समझ आए मेरी तरह तो मुश्किल हो जाती है, इंसान पैनिक हो जाता है, बहुत पैनिक सा हो जाता है और क्या हो रहा है समझ नहीं आता कि जी क्या हो गया एकदम। तो जी चलिए बताती हूँ, ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और जी इंडिया के जो फ्रेंड्स हैं वो लोग इस बात को ज़रूर गौर से सुनिएगा, जो भी ऑडियंस मुझे वहाँ से देख रही है। तो जी ये हमारे लिए ज़्यादा है, क्योंकि जी जब हमारे $10 हो जाते हैं या नहीं होते, YT में हो जाते हैं और गूगल एडसेंस में वो शो नहीं कर रहा होता, हमें समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है। तो जी इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। तो जी लेकिन जब हमारे YT के अंदर हो गए, स्टूडियो YT स्टूडियो के अंदर वो $10 शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारी पिन बन गई है, ठीक है। और वो कुछ ही देर के अंदर या कुछ ही दिन के अंदर आपको एक रेड सा साइन शो करने लग जाएगा, जिसके ऊपर लिखा होगा कि योर पेमेंट्स आर होल्ड, योर एक्शन इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने उस एक्शन को, जो बटन है उसको क्लिक करना है और अपनी पिन के लिए अप्लाई कर देना है, और इस तरह होता है। लेकिन हमें पता नहीं होता, क्योंकि हमारे एडसेंस के अंदर पैसे नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ $5-6 पड़े होते हैं, बट हमारे YT में जब $10 हो गए तो समझें जी हमारी पिन रेडी है हमारे पास आने के लिए। पर पिन को अप्लाई करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है कि सभी चीज़ें हम सही से करें और फिर कोई भी गलती हम ना कर दें। बिकॉज़ अगर हम 3 दफ़ा उस फॉर्म जो होता है, जो हमें कहते हैं एक्शन रिक्वायर्ड, को नहीं सही तरह करते, और थर्ड टाइम बस हमारे पास 3 ऑप्शंस होती हैं और जो थर्ड टाइम होता है वो लास्ट होता है, और उसके बाद वो एक्शन बटन काम नहीं करता। तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर फॉलो करना है कि हमारा एड्रेस सही हो, हमारा जो हम पिक्चर लगा रहे हैं वो क्लियर हो, ब्लर ना हो, पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बिकॉज़
आइडेंटिटी प्रूफ करनी होती है, उसको वेरीफाई करना होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो सब चीज़ें हैं इन सबको फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम फॉलो नहीं करते तो वो सही नहीं होता फिर, और वो कह देता है कि आपकी आइडेंटिटी नहीं है। और फिर आइडेंटिटी इसलिए ज़्यादा ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं बिकॉज़ वो लोग समझते हैं कि कोई फ्रॉड है या कोई और आपके नाम पे आपकी आइडेंटिटी यूज़ करने की कोशिश कर रहा है या आपका अकाउंट को यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए बस वो 3 चांसेस देते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे एडसेंस का और मेरे आईडी कार्ड का जो एड्रेस था वो डिफरेंट हो गया था। मेरी पिन तो काफ़ी दिन से रेडी थी पर उसके बाद मुझे कोई 10 दिन लग गए, आप कह लें या 7 डेज या 7 to 10 डेज मुझे लग गए मेरे आईडी कार्ड को बनाने के लिए। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान में आईडी कार्ड जो है काफ़ी दिन लगते हैं बिकॉज काफ़ी दिन लग जाते थे, पर मैंने एग्जेक्टिव आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे विदिन 5 डेज़ मिल गया था। और फिर मैंने अपना एड्रेस जो था वो चेंज कर दिया वहाँ से, बिकॉज मतलब जो एड्रेस मैं लिख चुकी थी वो मेरे आईडी कार्ड पे नहीं था तो मैंने वो कर दिया। और ये चीज़ें आपने देखनी है कि जो आईडी कार्ड आप लगा रहे हैं वो आपकी सारे जो आपका डाटा है वो आपके आईडी कार्ड पे सेम होना चाहिए, बिकॉज आईडी कार्ड वेरीफाई होगा तो ही आपकी पिन आपके बिलिंग एड्रेस पे पहुंचेगी, वरना वो नहीं पहुंचती, ठीक है। और वो फिर अगर बिलिंग एड्रेस वेरीफाई नहीं होगा, गूगल एडसेंस पिन नहीं आएगी तो आप अपनी पेमेंट कभी भी नहीं ले सकते। तो ये चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है और ध्यान से सुनना है। तो जी इसी तरह मेरे साथ हुआ कि मैंने अपना एड्रेस का पहला मेरा मसला हो गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने अपनी जो तस्वीर थी उसको मैंने स्कैन कराया और वो फोटोकॉपियर ने स्कैन करके जब दी तो वो उसके जो 4 कॉर्नर्स थे वो कट हो गए। और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी आईडी कार्ड को अपलोड किया तो उसने विद इन 30 मिनट्स उसने मुझे वापस मेल बैक की कि आपकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हमने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज़ आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी है वो लो है और पिक्चर जो है वो ब्लर है। तो मैं तो डर गई एकदम से, मुझे हुआ कि ये क्या हो गया। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो वो ठीक थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब उसके वो उन्होंने जो बताया हुआ था कि इन चीज़ों को आपको फोकस करना है, तो उसके अंदर एक और ये चीज़ भी लिखी हुई थी कि योर पिक्चर शुड नॉट बी ब्लैक एंड वाइट। और जो हमारा पाकिस्तानी आईडी कार्ड होता है वो ब्लैक एंड वाइट होता है अब। और इस चीज़ से मैं और ज़्यादा डर गई कि अब तो मेरे पास सिर्फ 2 चांसेस हैं, अब क्या होगा मेरा। तो खैर मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो लेकिन मुझे कुछ फिर भी समझ ना आई। लेकिन खैर एंड पे एट द एंड मैंने उस पिक्चर को दोबारा जोड़ा उसको, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट से मतलब बैक एंड फ्रंट से हमने उसको दोबारा क्लियर और उसको एक ही फ्रेम के अंदर जोड़ना होता है। तो मैंने उसको जोड़ा और अल्लाह का नाम लेकर दोबारा अपलोड कर दिया। और दिल में तो मेरे खौफ था कि अब पता नहीं क्या होगा और इसके बाद तो बस मेरे पास लास्ट चांस है और फिर अगर ना हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास विद इन 20 मिनट्स उनकी मेल आ गई कि योर आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरीफाइड और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया मेरा काम। तो जी आप लोगों ने भी ये चीज़ को फोकस करना है कि आपकी आइडेंटिटी सही हो, आपकी सब चीज़ें सेम हो, आपका सब कुछ ठीक हो, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और एक और चीज़ के जो लोग पाकिस्तान इंडिया और बांग्लादेश में रहते हैं उनके लिए बस ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ जो लोग बाहर रहते हैं ओवरसीज़ जो लोग हैं कैनेडा अमेरिका यूके इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक होता है, उनको वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, उनके पास तो खुद ही आ जाती है और हम लोगों को थोड़ा वेरीफाई करना पड़ता है। और यही था आज का, और सोचा कि जी जो मेरे साथ हुआ है वो लोग आप लोगों के साथ ना हो, आप लोग सही से उसको अप्लाई करें और अच्छे से आप लोगों का काम हो जाए और कुछ भी गलत ना हो, एक बारी भी किसी का रिजेक्ट ना हो, बस यही मैं बताना चाहती थी। और उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता और कुछ भी कोई बता नहीं रहा होता बिकॉज़ किसी को ख़ुद भी नहीं सही पता होता कि क्या सही है और क्या अब करना है उसने, इसीलिए जी मैंने सोचा कि अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो जी ये देखिए मेरी स्वीट पोटैटो
टोमेटो भी रेडी हो गई और बिल्कुल मैंने उसको ठेले वाले स्टाइल में प्रिपेयर किया और बहुत ही मज़े की बनी थी और मेरी बहुत फेवरेट है। उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी रेसिपी भी पसंद आई होगी। मेरा आज का ये आप लोगों को जो गाइडेंस मैंने दिया ये भी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसको जी लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर पूछिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।